हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ओवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने जा रहे हैं दो 5.1 होम थिएटर के बीच में बैटल ग्राउंड। सबसे पहले मैं आपको दोनों का मॉडल नंबर बता देता हूं। पहला मॉडल है दोस्तों मोटोरोला AmphisoundX 150W 5.1 होम थिएटर एंड दोस्तों दूसरा मॉडल नंबर है पैनासोनिक SC-HT550GW-K। एंड दोस्तों अभी इन दोनों का जो करंट प्राइस चल रहा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। मोटोरोला AmphisoundX 150W का अभी करंट प्राइस चल रहा है 11,000 से 12,000 रुपीज। एंड दोस्तों पैनासोनिक SC-HT550 का करंट प्राइस चल रहा है 10,000 रुपीज। सो प्राइस पॉइंट में देखा जाए तो यार अभी मोटोरोला वाला जो है वो थोड़ा ज्यादा हमें महंगा देखने को मिलता है। बट अभी क्या है कि यार ये वीडियो मैंने थोड़ा पहले एडिट कर दिया था। सो करंट प्राइस के लिए मैं दोनों मॉडल्स के जो परचेज लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, आप वहां पे देख लीजिएगा कि यार अभी इन दोनों मॉडल्स का क्या करंट प्राइस चल रहा है। बाकी दोस्तों यार इन दोनों मॉडल्स की मैंने पहले अनबॉक्सिंग वीडियो, ऑडियो टेस्ट वीडियो एंड बेस टेस्ट वीडियो दे दी है। अगर आपने दोस्तों ये सारी वीडियोस देखनी होगी तो जाकर आप देख सकते हैं, दोनों मॉडल्स की दे रखी है मैंने। क्योंकि दोस्तों आप सबको पता है हम साउंड टेस्ट वीडियो हो या बैटल ग्राउंड वीडियो, हम डिटेल पे स्पेसिफिकेशन फीचर्स के बारे में बात नहीं करते। सो दोस्तों यार आज की वीडियो में हम इन दोनों मॉडल्स के डिटेल पे स्पेसिफिकेशन फीचर्स के बारे में बात नहीं करेंगे। आज की वीडियो में केवल ऑडियो पे बात होने वाली है एंड ऑडियो क्वालिटी को ही हम ज्यादा टेस्ट करेंगे। सो वीडियो को आपने पूरे एंड तक देखना है। एंड दोस्तों प्लीज अपने हेडफोन्स का यूज करेगा, तभी आपको एग्जैक्ट में दोनों मॉडल्स की साउंड क्वालिटी के बारे में पता लग पाएगा। दोस्तों अगर आपको इन दोनों मॉडल्स के साउंड को और डिटेल में जानना होगा तो जरूर से आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक दे दूंगा। तो दोस्तों यार ये वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगी है सर, वक्त ज्यादा ना गवाते हुए अपने बैटल ग्राउंड को स्टार्ट करते हैं। We'll be right back.
तो दोस्तों कैसा लगा आपको दोनों मॉडल्स का साउंड बताएगा मुझे कमेंट बॉक्स में। आई थिंक यार अब आपको पता लग गया होगा कि यार एक्चुअल में कौन सा मॉडल हमें ज्यादा बढ़िया मिलता है ऑडियो क्वालिटी वाइज। चलिए अब मैं अपना लाइव एक्सपीरियंस टू बी ऑनेस्ट आपके साथ शेयर कर देता हूं। दोस्तों यार आज की वीडियो में हमने इन दोनों मॉडल्स को टीवी के साथ कनेक्ट नहीं करा है क्योंकि इन दोनों को हमने ऑलरेडी टीवी के साथ कनेक्ट करा हुआ है। सो अगर आपको देखना होगा तो मैं दोनों मॉडल्स की ऑडियो टेस्ट वाली वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर आप देख लीजिएगा। दोस्तों आज की वीडियो में हमने केवल इन दोनों मॉडल्स को इंडोर में बजाया, आउटडोर में बजाया, ताकि आपको बहुत अच्छे तरीके से पता लग सके। सो दोस्तों अब मैं अपना एक्सपीरियंस बिल्कुल टू बी ऑनेस्ट आपको बता दूंगा कि यार मुझे इन दोनों मॉडल्स में से एक्चुअल में कौन सा मॉडल ज्यादा बेटर लगा है। चलिए दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडोर में कि यार इंडोर में कौन सा मॉडल ज्यादा बढ़िया है, एंड बात कर लेते हैं म्यूजिक लिसनर की। सो अगर दोस्तों आप म्यूजिक ज्यादा सुनते हैं तो मेरे हिसाब से आपके लिए पैनासोनिक वाला मॉडल ज्यादा बेटर ऑप्शन है, क्योंकि दोस्तों यार इस पर हमें वोकल्स क्वालिटी, इंस्ट्रूमेंट क्वालिटी बहुत बढ़िया मिल जाती है अगर हम कंपेयर करके देखें मोटोरोला से। दोस्तों यार मेरे हिसाब से अगर आप म्यूजिक लिसनर हैं तो डेफिनेटली आप पैनासोनिक वाले मॉडल को परचेस करिए, एक ज्यादा बेटर ऑप्शन है। बट दोस्तों अगर आप लाउडनेस और बेस के ज्यादा शौकीन है तो वहां पर आपको मोटोरोला ज्यादा बढ़िया ऑप्शन लगेगा, ये मेरा एक्सपीरियंस है, उस हिसाब से आपको बता रहा हूं। बट अगर मैं म्यूजिक लिसनर की बात करूं तो यार वहां पर मुझे पैनासोनिक ही ज्यादा बेटर लगा है। अब बात कर लेते हैं टीवी वॉचिंग की। वैसे टीवी वॉचिंग का मैंने टेस्ट नहीं दे रखा है, मैंने आपको बता दिया है कि यार इन दोनों का जब मैंने ऑडियो टेस्ट करा था तो तब मैंने टीवी के साथ भी इन दोनों को कनेक्ट करके देखा है। सो उस हिसाब से मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता देता हूं। दोस्तों यार वैसे तो ये दोनों ही मॉडल टीवी वॉचिंग के लिए बेटर ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमें डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट नहीं मिलता है दोनों मॉडल्स पे ही, क्योंकि आप सबको लग रहा होगा कि यार 5.1 होम थिएटर है, अगर हम टीवी वॉचिंग के लिए परचेस करेंगे तो काफी बेटर ऑप्शन है। बट ऐसा नहीं है, इन पर डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट हमें नहीं मिलता है। बट दोस्तों अगर हम इन दोनों में से कंफ्यूज हो रहे हैं कि यार कौन सा बेटर होगा टीवी वॉचिंग के लिए, तो मैं आपके यहां पे डाउट क्लियर कर देता हूं। आपको मोटोरोला वाले को परचेस कर लेना चाहिए टीवी वॉचिंग के लिए, क्योंकि दोस्तों यार इस पर हमें HDMI ARC की कनेक्टिविटी मिल जाती है, भले डॉल्बी ऑडियो का सपोर्ट नहीं मिलता है बट हमें HDMI ARC की कनेक्टिविटी मिल जाती है। सो दोस्तों HDMI ARC की वजह से दोस्तों इसकी जो साउंड क्वालिटी है टीवी वॉचिंग में वो हमें काफी बढ़िया लगी है। मतलब यार जो डायलॉग्स हैं, जो एक्शन शॉट्स हैं, वो इस पर हमें काफी बढ़िया फील होते हैं अगर हम कंपेयर करके देखें पैनासोनिक से, क्योंकि दोस्तों यार इस पर तो हमें केवल ऑक्स या ब्लूटूथ के थ्रू ही अपने टीवी को कनेक्ट करना पड़ेगा, तो यार वहां पर मुझे ये ज्यादा बेटर ऑप्शन नहीं लगा है। क्लियरिटी वाइज आपको कमी जरूर देखने को मिलेगी, बट मोटोरोला में क्या है कि यार HDMI ARC की कनेक्टिविटी हमें मिल जाती है, साथ में ऑप्टिकल की भी कनेक्टिविटी मिलती है, तो मेरे हिसाब से दोस्तों आपको मोटोरोला को परचेस करना चाहिए। टीवी वॉचिंग इस पर ज्यादा बेटर हमें मिलती है, एंड ये चीज दोस्तों फीचर्स के हिसाब से ही नहीं बता रहा हूं, मैंने पर्सनली टेस्ट करा है उस हिसाब से आपको बता रहा हूं, मोटोरोला पर आपको ज्यादा बढ़िया साउंड एक्सपीरियंस मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं यार आउटडोर में कि आउटडोर में इन दोनों मॉडल्स में से कौन सा ज्यादा बेटर है। दोस्तों यार आउटडोर में वैसे दोनों ही मॉडल्स काफी अच्छे हैं, पैनासोनिक भी अच्छा है, मोटोरोला भी अच्छा है, बट अगर हम इन दोनों को कंपेयर करके देखें तो यार वहां पर मुझे मोटोरोला ज्यादा बेटर लगा है। जब मैंने मोटोरोला की वीडियोस दी थी आपको, ऑडियो टेस्ट दिया था, बेस टेस्ट दिया था, तभी मैंने आपसे बोल दिया था कि यार दोस्तों पार्टी के लिए ये मॉडल काफी बढ़िया है, जबकि ये 5.1 होम थिएटर है, बट यार फिर भी दोस्तों जो इसकी लाउडनेस है, बेस क्वालिटी है, वो हमें काफी बढ़िया मिल जाती है। सो मेरे हिसाब से दोस्तों आउटडोर के लिए यार मोटोरोला ज्यादा बेटर ऑप्शन है। अगर आप बेस लवर हैं, लाउडनेस आपको अच्छी चाहिए, तो आप मोटोरोला को ही परचेस करेगा। बट दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, आप म्यूजिक लिसनर है तो वहां पर आप पैनासोनिक को परचेस करेगा, पैनासोनिक भी एक बेटर ऑप्शन है। सो दोस्तों ये था मेरा लाइव एक्सपीरियंस जो कि मैंने टू बी ऑनेस्ट आपको बता दिया है। बाकी दोस्तों अगर मैं फीचर्स की बात करूं तो यार फीचर्स में मोटोरोला वाला जो है वो क्लियर विनर है, इस पर हमें सारे फीचर्स मिल जाते हैं, साथ में हमें LED डिस्प्ले भी मिलता है। बट अगर हम पैनासोनिक की बात करें तो दोस्तों यार इस पर हमें फीचर्स बिल्कुल नहीं मिलते हैं, एंड फीचर्स में दोस्तों ये मॉडल काफी पीछे है। सो फीचर्स को तो आप यहां पे ध्यान में ही मत दीजिएगा, आप सीधे मोटोरोला को परचेस कर लीजिएगा, क्योंकि फीचर्स इस पर हमें सारे मिल जाते हैं। सो दोस्तों यार मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से मेरे हिसाब से बता दिया होगा, फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहेगा तो जरूर से मेरे से कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दोस्तों एक चीज आपको और बताना भूल गया, दोनों का जो आउटपुट है वो भी हमें सेम ही देखने को मिल जाता है, 150 वॉट्स RMS का। सो आउटपुट भी बिल्कुल सेम है। सो दोस्तों कंफ्यूजन इन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा है, सो मुझे लगा कि यार इन दोनों के बीच में बैटल ग्राउंड कर लेना चाहिए, एंड आपको बताना चाहिए कि यार आपके लिए कौन सा बेटर है। सो दोस्तों यार यही था मेरा लाइव एक्सपीरियंस जो कि मैंने टू बी ऑनेस्ट आपको बता दिया है, फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहेगा तो जरूर से मेरे से पूछ लीजिएगा। सर आशा करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन
नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों अगर आपको इन दोनों मॉडल्स के साउंड को और डिटेल में जानना होगा तो जरूर से आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक मिल जाएगा। एंड लास्ट में दोस्तों यार मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहता हूँ, प्लीज सपोर्ट करिएगा, अगर आपको हमारा कॉन्टेंट पसंद आ रहा है सो अपना सपोर्ट बना के रखिएगा। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।